देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। 2011 का वर्ल्ड कप सभी ने देखा होगा, सभी ने, लगभग सभी ने, ए टू जेड सभी ने देखा होगा। उस वर्ल्ड कप में जब एक वक्त ऐसा आया कि टीम परेशानी में फंसती हुई नजर आई, या ऐसा लगा कोच को, बाकी लोगों को, कि टीम फंस सकती है, वो वक्त ऐसा था कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल संभाली। महेंद्र सिंह धोनी ने फ्रंट से लीड किया, महेंद्र सिंह धोनी आए, छक्का जड़ा और इतिहास बना दिया। तो ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि महेंद्र सिंह धोनी को पहले आना पड़ा, अपने नंबर से पहले, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में दिखाई दे रहे हैं, वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं। वो जब वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि 2017 में भी एक मेगा इवेंट रहा था पीएम मोदी का, और अब एक बार फिर पीएम मोदी वाराणसी में नजर आ रहे हैं, और यह भी मेगा इवेंट से कम नहीं है। इसको लेकर हर तरफ चर्चा है, लेकिन आज हम चर्चा और खर्चा दो कैरेक्टर्स पर करने वाले हैं, दो कैरेक्टर्स पर, दो लोगों पर, दो नामों पर, दो व्यक्ति विशेषों पर। मेरे दोनों तरफ आपको दो चेहरे दिख रहे होंगे। ये दो दमदार चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत में शानदार, बेहतरीन और रोमांचक दखल रखते हैं। ये दोनों चेहरे पीठ पीछे दबी जुमान में बाहुबली कहलाए जाते हैं। बाहुबली, बाहुबली एक पॉजिटिव, एक सॉफ्ट वर्ड है, एक शब्द है जिसका पर्यायवाची माफिया भी हो सकता है, जिसका पर्यायवाची गैंगस्टर भी हो सकता है, जिसका पर्यायवाची बड़ा अपराधी भी हो सकता है। लेकिन बाहुबली दरअसल इनको इसलिए कहा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये चीज जस्टिफाई की जा सके कि बाहुबल तो है लेकिन राजनीति भी है, और बाहुबल प्लस राजनीति आपको रॉबिन हुड भी बना सकती है। मसला है तो सिर्फ नैरेटिव का, मसला है तो सिर्फ संदेश का, मसला है तो बस ये कि आप जनता के बीच ये संदेश कैसे दें कि आप तो दरअसल गरीबों की सेवा कर रहे हैं, और जितने भी बाहुबल के आप पर आरोप है वो सब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। ऐसे ही आज हम बात करने जा रहे हैं इन दो शख्सियतों की, इन दो कैरेक्टर्स की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक शानदार दखल रखते हैं। उत्तर प्रदेश अपने चुनाव के आखिरी पड़ाव पर, सेवेंथ फेज ऑफ वोटिंग ऑन 7th of March वोटिंग हो रही है, लेकिन पूर्वांचल की तरफ अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ चुका है तो पूर्वांचल की जब बात होती है तब बात होती है बाहुबल की, बात होती है बाहुबलियों की। बनारस हो, चंदौली हो, मिर्जापुर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, भदोई हो, जौनपुर हो, सोनभद्र हो, यहां बात बाहुबलियों की होती है, क्योंकि बीते 35 सालों से, 3.5 दशकों से यहां पर बाहुबलियों ने राजनीति में अच्छा खासा परचम लहराया है, राजनीति में अच्छी खासी दखल रखी है। इसलिए आज इन दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे ज्यादा चर्चित है। सीधे इन पर आऊंगा, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में बाहुबली कितना फैंटास्टिक अप्रोच रखे हुए हैं, इसको आपको समझाता हूं। इलेक्शन वॉच एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एक संस्था है जो दरअसल नजर रखती है, आंकड़ों को जुटाती है, स्टैटिस्टिक्स पर काम करती है। इन्होंने बताया है कि 28% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस है, और इनमें से मसलन अगर मैं संख्या के हिसाब से बताऊं तो 613 कैंडिडेट्स जो है, जो अब लास्ट चरण में आपको दिखाई देंगे, उनमें से 170 पर क्रिमिनल केसेस हैं और 131 पर तो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी इज ऑन टॉप, वो टॉप करती है। 45 में से 26 कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस हैं, 47 में से 26 पर क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस हैं, बीएसपी के 52 में से 20 पर क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस हैं, और कांग्रेस के 54 में से 20 कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस हैं। ये बाहुबली के सियासी जो एक श्रृंखला चली, इसकी शुरुआत होती है 1980 से। 1980 में गोरखपुर जिले के हटा, जिसे बोलते हैं, वहां से हरिशंकर तिवारी एक नाम उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है बाहुबल का, और हरिशंकर तिवारी से होते हुए मुख्तार अंसारी, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, विजय मिश्रा और धनंजय सिंह तक ये कहानी पहुंचती है। आज ये दो करेक्टर
जिन पर मैं बात कर रहा हूं, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से प्रत्याशी निर्दलीय, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं धनंजय सिंह की, जो कि जौनपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और मलहनी विधानसभा से इस बार मैदान में है जेडीयू से, जदयू से। तो दोनों ही कैरेक्टर्स पर आज बात करेंगे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, पर्चा खर्चा 1993 से लगातार दुरुस्त है, लगातार जीतता है, लगातार जीतता है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे बाजू वाली खिड़की पर, तस्वीरें नॉनस्टॉप, तो लगातार जीते आ रहे हैं, लगातार। और इसके बाद आपको बता दें कि 1993 से जब जब जीते हैं, जब जब चुनावों में जीते हैं, तब तक खुद ही का रिकॉर्ड बनाते हैं, खुद ही का रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ हैं धनंजय सिंह, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभरे, और ऐसे उभरे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते होते 1998 तक अपराधी बन गए, 50,000 के इनामिया बन गए। इसके बाद एक इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर में बताया जाता है कि धनंजय सिंह इनकाउंटर में मार गए, लेकिन उसके बाद एक साल के अंदर अंदर धनंजय सिंह वापस लौटते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके ऊपर हाथ आता है अभय सिंह का, अभय सिंह एक बाहुबली, उनका हाथ आता है। धीरे धीरे करते करते धनंजय सिंह सियासी पारी शुरू करते हैं और माननीय विधायक बन जाते हैं, दो बार विधायक, एक बार सांसद, और फिलहाल इनकी पत्नी जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष जौनपुर से, और ये खुद मलहनी विधानसभा से चुनावी मैदान में। इन्हीं दोनों करेक्टर्स पर आज बात कर रहे हैं, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, एक डिटेल रिपोर्ट आपके लिए चलाएंगे, उस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुंडा में फिफ्थ फेज में जो वोटिंग हुई, उसमें जो इनके काउंटर पार्ट थे, जो इनके विपक्ष में थे, नाम था गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से, उन्होंने आरोप लगा दिया कि वोटिंग के दौरान दरअसल इनके लोगों ने तो हमला कर दिया, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, तोड़ दिया, और इनको भी जान से मारने की कोशिश की गई, मुकदमा भी हुआ है। लेकिन क्या कुछ होगा ये 10 मार्च स्पष्ट रूप से तय करेगा। अभी धुंध है, धुंध चढ़ी है, अभी ये धुंध हट जाएगी, धुंध हटेगी 10 मार्च के बाद, 11 मार्च तक जो सुबह होगी वो सब कुछ क्लियर कर देगी, सब कुछ क्लैरिटी के साथ सामने रख देगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, कुंडा में इस बार कुंडी लगानी है, लेकिन राजा भैया ने कह दिया कि कुंडा में कोई कुंडी नहीं लगा सकता, नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन, कुंडा में कोई कुंडी नहीं लगा सकता। 7 पुश्तें आ जाएंगी लेकिन कुंडा में कुंडी नहीं लगेगी। धनंजय सिंह अभी से कुछ महीने पहले अगर उनकी बात करते तो बोलते कि भैया फरार है, धनंजय सिंह तो फरार है, और फरार है लोग कहते रहे, और वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, बैट पल्ला थामे और प्रदर्शन शानदार। लेकिन इसके बाद अब धनंजय सिंह खुलकर सामने आ गए, सियासी पिच पर अपना सियासी बल्ला लेकर सामने खड़े हैं और फाइट कर रहे हैं। तो राजा भैया और धनंजय सिंह की फुल स्टोरी, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इस पैकेज में। पैकेज चलाइएगा सर। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव आखिरी पड़ाव पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों का चर्चा, पर्चा और खर्चा दुरुस्त रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश और सियासत की गोलबंदी कुछ यूं है कि यहां के बच्चे बच्चे के अंदर राजनीति का ज्ञान भरपूर मिलेगा। राजनीति में उत्तर प्रदेश के युवाओं की दिलचस्पी भी अलग ही है। इस दिलचस्पी की एक वजह ग्लैमर भी है, साधारण ग्लैमर नहीं, गन गट्स एंड ग्लोरी वाला ग्लैमर। सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड में व्यक्ति विशेष की ताकत का एहसास कराती वीडियोस इस वक्त उफान पर हैं, और इस उफान में आपको दो नाम सबसे आगे मिलेंगे, प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और जौनपुर के धनंजय सिंह। राजा भैया फ्रॉम कुंडा है तो धनंजय सिंह फ्रॉम मलहनी है। दोनों ही शख्सियतों को लोग दबी जुबान में बाहुबली कहते हैं। बाहुबली सॉफ्ट पर्यायवाची है माफिया का। सपा और बीजेपी की जीत को लेकर सट्टा लग सकता है, धड़े बट सकते हैं, लेकिन राजा भैया और धनंजय सिंह को लेकर लोगों का कहना है कि यह मामला जीत के अंतर का हो सकता है, इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं। कुंडा में निर्दलीय राजा भैया, मलहनी में जदयू से धनंजय सिंह जीत का गारंटी कार्ड लेकर घूम रहे हैं। ये वैसा ही है
जैसा अमिताभ बच्चन की 90 के दशक में हिट फिल्म देने की गारंटी वाला कार्ड। शुरुआत करते हैं यूपी के कुंडा से, जहां एक नाम दिन दोपहर शाम में लिया जाता है। लोग कहते हैं यहां राजा भैया के कहे बिना पत्ता तो क्या तितली भी नहीं उड़ती है। 1993 से निर्दलीय विधायक हैं और इस बार 1.5 लाख के अंतर से जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार मंच की मर्यादा रखते रखते आखिरकार उनकी दबंग छवि से मेल खाती शब्दावली सामने भाषण के रूप में पिरोई हुई सामने आ गई। दरअसल अखिलेश यादव ने कुंडा में अपने प्रत्याशी गुलशन यादव के चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया कि कुंडा में कुंडी लगा दीजिएगा, और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और बताओ कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। इसके जवाब में राजा भैया ने मंच से कह दिया कि कुंडा में कोई कुंडी लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। जब एक नेता जी ने कहा कि भारत कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ। राजा भैया के इस बयान के बाद से ही राजा भैया एक बार फिर चर्चा में हैं। लोगों का कहना है कि राजा भैया ने इशारों इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है, जो 10 मार्च के बाद कुछ और ही तस्वीर पैदा करेगा। कुंडा में चुनाव हो चुके हैं, सपा प्रत्याशी पर हमले से लेकर पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की लगातार खबरें आती रही, लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ चुका है और अब बात है जौनपुर जिले की, जहां की मल्हनी विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में हैं धनंजय सिंह। धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और कुछ समय पहले तक खुद धनंजय सिंह फरार थे, और वो कुछ ऐसे फरार थे कि पुलिस तो जी तोड़ मेहनत कर उनको ढूंढ रही थी, दबिश दे रही थी, लेकिन वो बल्ला बैट लेकर बैट बॉल खेलते नजर आ रहे थे। धनंजय सिंह की बैट बल्ला के साथ करतब दिखाती तस्वीरों को अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में नहीं आई बल्कि धनंजय सिंह हरकत में आ गए और कोर्ट में समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद जमानत मिल गई और अब सियासी मैदान में खुल्लम खुल्ला खेलते हुए नजर आ रहे हैं धनंजय सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दो चारों पर तो खूब चर्चा हो गई, दो चारों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं पूर्वांचल के जो बाहुबली का टैग है जिन पर, और जो लोग बाहुबली के टैग के साथ चुनावी मैदान में हैं, या तो जेल से हैं या फिर बाहर से, लेकिन हैं मैदान में हैं। और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो दरअसल खुद तो मैदान में नहीं है, लेकिन या तो उनका बेटा मैदान में है या भतीजा मैदान में है या पत्नी मैदान में है, लेकिन साख उनकी दरअसल मैदान में है। मुख्तार अंसारी के बेटे का भी एक वीडियो खूब चर्चित हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो दरअसल एक ऐसी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस धमकी में वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को बता दिया गया है चुनाव जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद सरकार बनने पर 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, सबको यहीं रखा जाएगा और सबको सबक सिखाया जाएगा। ये कौन सी धमकी है, कौन सी इनडायरेक्ट धमकी है, इसको आप समझिए। इसको लेकर जांच की बात पुलिस के द्वारा कही गई है, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि इस पर अब अच्छे से जांच होनी चाहिए, और ये बात क्यों कही गई इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था,
कि इलेक्शन वॉच एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट आई है वो सीधे तौर पर बता रही है कि 28% जो आखिरी चरण की जो वोटिंग है उसमें 28% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर क्रिमिनल केस है, और इनमें से अगर आपको बिल्कुल संख्या वाइज न्यूमरिक में बताऊं तो 613 में से 170 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है और 131 ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केस। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं, 613 से 131 ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केस है, और इसमें समाजवादी पार्टी टॉप कर रही है। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी 45 में से 26 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है। बीजेपी के 47 में से 26 हैं, बसपा के 52 में से 20 हैं, कांग्रेस के 54 में से 20 हैं। और ये जो लिस्ट है ये पिछली बार से बढ़ गई है। पिछली बार जो नाम थे जिनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज का टैग लगा था वो 15% थे और इस बार 22% है। तो ये दो कैरेक्टर के जरिए हमने ये दिखाने की आपको कोशिश की है, दो शख्सियतों के जरिए, कि अब बाहुबली जब इतना इन्फ्लुएंस रखेंगे पॉलिटिक्स में, इतना इन्फ्लुएंस रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पॉलिटिक्स में जब इन्फ्लुएंस रखेंगे तो पॉलिटिक्स में नजर आएंगे, और पॉलिटिक्स में तगड़ी पकड़ चुनकी है वो दिखाती है और बताती है कि गेम अभी उनके हाथ में, बागडोर अभी उनके हाथ में। ये चर्चा का पहला विषय। इसके अलावा चर्चा का जो दूसरा विषय है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वाराणसी में आखिर मेगा इवेंट, मेगा शो क्यों करना। 2017 में भी ऐसा ही कुछ दिखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली थी, फ्रंट से पार्टी को लीड किया था, और वाराणसी में चुनावी जो हवा थी, जो माहौल था, जो मौसम था, उसको बदलने का काम किया था। लेकिन आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जो कि 5 तारीख यानी कल तक वाराणसी में नजर आएंगे, तो वो क्यों है और वो किस लिए वहां पर उनको मोर्चा संभालने की जरूरत पड़ी है जब पिछली दफा सीएम का चेहरा नहीं था। इस बार तो सीएम का चेहरा भी है, इस बार तो योगी आदित्यनाथ साहब भी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रंट से लीड क्यों करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूती देने का आखिरी मोमेंट पर पीएम मोदी को क्यों आना पड़ा। आखिरी मोमेंट पर, आखिरी के जो दो चरण थे उसमें पीएम मोदी को फ्रंट से नेतृत्व क्यों करना पड़ा। यह बिल्कुल वैसा ही है जब बिहार में चुनाव थे और बताया गया था कि नीतीश कुमार उतने ताकतवर नहीं मालूम पड़ रहे, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे और मंच पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आते थे। तो संकट मोचक की जो भूमिका है नीतीश कुमार के, जब बिहार के इलेक्शन में संकट मोचक की भूमिका में नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच पर लगातार संयुक्त रूप से मंच संभालते हुए दिखे थे, लीड करते हुए दिखे थे, नेतृत्व करते हुए दिखे थे, वैसे ही पोजिशनिंग कुछ आज क्यों है, वैसे ही लीड करने की आवश्यकता आज क्यों पड़ी। 2017 का तो क्लियर, लेकिन 2022 में ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आखिरी के दो चरणों में मोर्चा संभालने की आवश्यकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ रही है, और मेगा इवेंट्स करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, नेतृत्व करने की, पार्टी को लीड करने की फ्रंट से आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यह वाजिब सवाल है, और यह सवाल इसलिए है कि संकट मोचक की भूमिका में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी वक्त में क्यों आना पड़ा, आखिरी के दो फेज में पीएम मोदी को फ्रंट से लीड क्यों करना पड़ा। यह वो सवाल है जो बताते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, या फिर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी उतना ही सक्रिय हैं जितना 2017 के विधानसभा चुनावों में थे। दो तस्वीरें हैं, दो चेहरे हैं। एक तरफ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लीड क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह है कि बाहुबलियों का जो दखल है वो इस बार भी चुनावों में उतना ही है जितना कि पिछली दफा हमको देखने को मिला था, जितना कि उससे पहले हमको देखने को मिला था। और पूर्वांचल की ओर जैसे जैसे हम अवध से पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं तो बाहुबलियों का दबदबा जो है आज भी परस्पर जारी है। बीते 35 सालों से हरिशंकर तिवारी के वक्त से आज तक, मसलन 1980 से आज तक, हरिशंकर तिवारी जब गोरखपुर से
जब ये शुरुआत हुई थी बाहुबल का, जब मिश्रण हुआ था राजनीति में हरिशंकर तिवारी के वक्त से आज तक, और ये दखल बढ़ती ही गई है और इंटरफेरेंस इस लेवल की है कि ये दबदबा भी रखती है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी रखती है। तो बाहुबल का जो मिश्रण है, जो पॉलिटिक्स में बाहुबल का मिश्रण है, उसके पीछे वजह क्या है ये जानना जरूरी है। और लेकिन एक और चीज जानना जरूरी है कि बाहुबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे ये कोई पॉजिटिव वर्ड है। बाहुबली इज अ पॉजिटिव वर्ड, समवन हु इज फाइटिंग फॉर पुअर पीपल लाइक रॉबिनहुड। तो बाहुबली को एक रॉबिनहुड की रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, एक प्रेजेंटेशन दी जाती है। क्या ये सही है? या फिर अपराध के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले, अपराधों की श्रृंखला, अपराधों की सीढ़ियों पर चढ़कर राजनीति के रथ पर सवार होने वाले लोग, अब जब उन पर अपराध का उतना अमूमन साधारण तौर पर दाग नहीं लगता, तो क्या राजनेताओं को क्लीन चिट मिल जाती है? क्या वो महज बाहुबली रह जाते हैं? या ये वो बाहुबली हैं जिनके ऊपर अपराध का टैग नहीं है, जिनको अब माफिया नहीं कहा जा सकता, जिनको अब गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता, बस सुनाई जा सकती हैं तो उनकी दास्तानें, सुनाई जा सकती हैं तो उनकी लाइफ स्टोरीज, सुनाई जा सकती हैं तो उनकी कहानी। क्या ऐसा है? इस पर गौर करना होगा। डायरेक्टर साहब, अब सिंगल विन पर चलेंगे, सिंगल विन पर, और ग्राफिक्स चलाइएगा, सिंगल विन पर चलेंगे और ग्राफिक्स के साथ, और बताएंगे कि देखिए आखिरी वक्त, आखिरी चरण तक आते आते हम बाहुबलियों की बात आखिर क्यों नहीं कर रहे और चर्चा क्यों नहीं हो रही। एक बेहतरीन चर्चा की आवश्यकता है कि पॉलिटिक्स में बाहुबलियों का क्या काम है, और अगर काम है तो फिर जनता को इसका क्या मिलता दाम है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। शुक्रिया। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।